सोलन के देवघाट में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक कैंटर और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसा सुबह करीबन 7 बजे का है, जिसमें सोलन से परमाणु राशन ले जा रहे कैंटर के साथ बाइक टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक के सर पर चोट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतक की पहचान करण सिंह पुत्र विकास सिंह निवासी पाइन स्टेट देवघाट के रूप में हुई है। करण यहां अपने दादा दादी के साथ रहकर सोलनी यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। करण के दादा का कुछ समय पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसके चलते करण के माता पिता व दादा मेरठ में हैं। यहां घर पर उसकी दादी अकेली है। स्थानीय दुकानदारों ने एक्सीडेंट की सूचना तुरंत पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शी राजू मैकेनिक ने बताया कि हादसा करीब 7 बजे हुआ है, जब अपनी दुकान पर टायर में पंचर लगा रहा था कि अचानक सड़क पर जोर की आवाज आने से जब उसने देखा कि मोटरसाइकिल वाला सड़क के किनारे नाली में गिरा पड़ा था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। उन्होंने बताया कि मृतक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी जान गई। ये 7:45 बजे के करीब हुआ है भाई साहब एक्सीडेंट में। तो मैं गाड़ी का टायर लगा हुआ था बनाने जी, तो एकदम से बड़ी जोर से आवाज़ आई जी, जिस तरह ब्लास्ट होता है जी। और जब हमने घूम के देखा तो लड़का नाली में गिरा हुआ था जी, और हेलमेट साइड में पड़ा हुआ था। हेलमेट मुझे लगता है इसने लगाया हुआ नहीं था जी, गाड़ी के साइड में बजा है थोड़ा सा, कोई चांसेस दिखे नहीं जी। फिर फ़ोन किया जी 108 को और पुलिस स्टेशन जी, जबको वो भी जल्दी पहुँच गई जी, उन्होंने भी ज़्यादा देर नहीं लगाई जी, लेकिन सांसें लड़के की थी नहीं भाई साहब।